नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उनके बारे में। जैसे कि इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको 11,000 की राशि कैसे प्राप्त होगी, और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको अगर यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो उनको क्या करना है, और जिनको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया है वो कैसे इसका ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलती है और हम आगे इस प्रकार से और भी नई नई वीडियोज लेके आते रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे ICDS विभाग की तरफ से एक विज्ञापन प्रसारित किया गया है जिसमें कि सारा कुछ आप लोगों को समझाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार का लोगो है और यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लोगो दिया गया है। लिखा गया है खुशखबरी। तो खुशखबरी क्या है, जैसे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो गर्भवती महिला है उनको 11,000 की राशि जो है वो कैसे मिलेगी, इसके लिए उन कंडीशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है पहली बार माँ बनने वाली गर्भवती महिला को मिलेंगे 5,000 रुपये। जैसे कि एक एक बार गर्भवती होने पे उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, और यहाँ पे दूसरी बार यानी कि अगर दूसरी बार वो गर्भवती होती हैं, अगर उनको कन्या लड़की पैदा होती है तो उनको यहाँ पे 6,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। पहले हम यहाँ पे जानते हैं 5,000 रुपये दो किस्तों में कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे पहली बार गर्भावस्था होने के बाद पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार एटेंटल चेकअप कराने के बाद उनको 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो जैसे कि पहली बार गर्भावस्था होने के बाद वो पंजीकरण कराती है और अपना एटेंटल चेकअप एक बार करवाती हैं तो उनको 3,000 की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद यानी कि नवजात शिशु का जन्म एवं पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने के बाद उनको 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पहले वाले कंडीशन में यह है कि अगर उनको पहले गर्भावस्था के दौरान लड़का हो या लड़की हो उनको 5,000 रुपये दी जाएगी, और दूसरी बार सिर्फ कन्या होने पर ही देंगे 6,000 रुपये जो कि एक ही किस्त में उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं इस योजना के तहत लाभुक कौन कौन से लाभ ले सकते हैं। वैसे लाभुक जिनका वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो वो इसका लाभ ले सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड धारक इसका लाभ ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि अंतर्गत जो लाभुक है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड धारी लाभुक इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत कार्ड के जो लाभुक है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। BPL राशन कार्ड आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन इसका लाभ ले सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की जो महिलाएं हैं वो भी इसका लाभ ले सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो गर्भवती महिला आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो या आशा हो वो भी इस योजना का लाभ ले सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारा चीज प्रक्रिया दिया गया है कि कौन कौन से लोग लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है आवेदन करना हुआ आसान, घर बैठे ऑनलाइन आवेदन। ये जो लिंक दिया गया है PMMVY.NIC.IN के माध्यम से अथवा अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा इसका लाभ ले सकते हैं। जो लाभुक हैं वो खुद से भी इसका पंजीकरण करा सकते हैं, या फिर आप अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र जाएंगे तो आंगनबाड़ी सेविका को ID और पासवर्ड जेनरेट करके दिया जा रहा है, वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर आपका वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका को ID पासवर्ड नहीं मिला है तो वो क्या करेंगी। तो देखिए फिलहाल अभी जो आप लोगों के ऊपर LS हैं उन लोगों की अभी ट्रेनिंग चल रही है इस योजना के तहत किस प्रकार से इसका आवेदन करना है। उन लोगों की ट्रेनिंग हो जाने के बाद जो सेविका है उन लोगों की ट्रेनिंग होगी जिसमें कि आपको सारा कुछ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा किस प्रकार से आप लोगों को जो भी लाभार्थी हैं उनका ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना है। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है किस प्रकार से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को पूरा देख सकती हैं जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई है किस प्रकार से कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस प्रकार से आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं।
तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।